गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक रिमेनिंग पार्ट जो हमारा बच गया था गोल्स का, उसमें दो हमने पढ़ लिए थे, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेल्फ सफिशिएंसी और इक्विटी। सेल्फ सफिशिएंसी मींस डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, particularly food grain. This goal was accorded a high priority during the first 7th plan. The basic idea was not to expose India's fragile economy to political pressure from rest of the world. बच्चों, ये जो self sufficiency है, इसका मतलब है कि कोई भी country जो है वो सिर्फ ग्रोथ से और मॉडर्नाइजेशन से ही डेवलप नहीं हो सकती, बल्कि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा और इम्पोर्ट कम होगा तभी वो डेवलप हो सकती है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ये शो होता है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी हमारे अंदर, या हम आत्मनिर्भर हैं। तो हमारी जो फर्स्ट 7th योजनाएं थी उनमें इम्पोर्टेंस दी गई थी सेल्फ सफिशिएंसी को। इससे क्या था कि हम आत्मनिर्भर बने और फॉरेन कंट्री के ट्रैप से या उसके जाल से हम मुक्त रहें, ये हमारा मेन गोल था। फिर नेक्स्ट और लास्ट गोल है हमारा इक्विटी। इक्विटी की बच्चों जब हम बात करते हैं तो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन से या फिर ग्रोथ से या फिर सेल्फ सफिशिएंसी से ही सब कुछ नहीं होगा, बल्कि इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंट्री में बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट्स ऑफ इट एक्योर टू ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। अगर कुछ लोगों के हाथ में सारा बेनिफिट होगा इकोनॉमी का, तो सोसाइटी में ग्रोथ का मीनिंग जो है वो कुछ नहीं रह जाएगा, ग्रोथ मीनिंगलेस हो जाएगी। ग्रोथ दैट कॉज अ वेज बिटवीन रिच एंड पुअर और द ग्रोथ दैट कॉज इकोनॉमिक डिवाइड फाइंड्स नो जस्टिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ गोल ऑफ प्लानिंग। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्विटेबल। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी एंड दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। देखो बच्चों, आपको मालूम है इक्विटी का मतलब होता है समानता। कोई भी जो मॉडर्न सोसाइटी होगी वो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन से, ग्रोथ से, सेल्फ सफिशिएंसी से ही उसमें सुधार नहीं आएगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा तभी उसमें सुधार आएगा। आपकी बुक में 1950 से 1990 तक का टाइम पीरियड दिया गया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे कैसे हमने इन चारों गोल को, यानी इन जो 4 गोल हमने पढ़े हैं ना, इन 4 गोल को हमने कहाँ तक अचीव किया और क्या क्या हमारी योजनाएं सफल हुई। इसे अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दे रखा है, एग्रीकल्चर फील्ड में। फिर आपके एग्रीकल्चर में जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनमें कैसे कैसे ये सही रहा। फिर हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे हेल्पफुल रहा और कौन कौन सी हमारी कंट्री में पॉलिसीज़ बनाई गई, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ये हमारा गोल का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। 4 गोल थे हमारे, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ग्रोथ, सेल्फ सफिशिएंसी, मॉडर्नाइजेशन एंड इक्विटी। इन चारों को आप अच्छी से पढ़ेंगे और ये जो आपकी बुक में सेल्फ रिलायंस टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक में जो पहली लाइन से लेकर एसेंशियल समझा गया है यहाँ तक दे रखा है ना आपके बॉक्स के नीचे, ये बॉक्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आपके पीछे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 या 11 होगा, उसका आंसर भी है ये। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक।